हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो इस वीडियो में पहली बार यूट्यूब पर क्लास फिफ्थ सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स का मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2019-20 का है। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं क्लास फिफ्थ में। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास फिफ्थ में आए हैं। सो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हैं। सो केयरफुली इसे आप देखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस होंगे 10 और मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए। टाइम अलाउड होगा 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होगा 60 का। देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो इसमें ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न करने हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। सो क्वेश्चन पेपर में कुल 30 प्रश्न होंगे और इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, 1 ए बी सी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं जो कि एक एक मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 2 मार्क्स हर प्रश्न के, और सेक्शन सी में भी 10 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे। देखते हैं सेक्शन ए, राइट इन वर्ड्स। तो इसको अंक में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, आपको वर्ड में लिखना है, शब्द में लिखना है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे लाख, हज़ार, ऐसे में लिखना है, थाउजेंड, लैख में, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इन टू ब्रेथ। 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स लिखना है आपको। कंप्लीट द पैटर्न, ये पैटर्न आपको पूरा करना है। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं आपको काउंट करके लिखना है। मेजरमेंट ऑफ द राइट एंगल इज, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है वो आपको लिखना है। 1 डजन बनानास इक्वल टू कितने, यानी कि 1 डजन बनानास में कितने बनानास होंगे, और इसे आपको सॉल्व करना है, ऐड करना है। कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड पुट लेस देन एंड ग्रेटर देन। सो यहाँ पर इस इन दोनों संख्याओं को आपको कंपेयर करना है और लेस देन और ग्रेटर देन आपको यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। अगर देखते हैं द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हर प्रश्न 2 अंकों के हैं, तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन गिवन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में ये डेसिमल के नंबर होते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, सिंप्लीफाई करनी है इसको। पहले इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, फिर से आप घटा सकते हो। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज वी, एंड इफ 1 नंबर इज ये, तो फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। फाइंड आउट 5/6 ऑफ 636। इफ द स्पीड ऑफ अ लॉग बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट विल गो इन 3 आवर्स, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतने एंड इतने। इन द ट्राइंगल ए बी सी द टू एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, और 3 एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना भी आता है आप उसे 180 डिग्री में से आप घटा देंगे तो थर्ड एंगल निकल आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट हाउ मैनी पेंसिल्स कैन वी परचेज फ्रॉम ₹20 इफ 1 पेंसिल कॉस्ट इज ₹2, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट अगर 2 है तो आप ₹20 में कितने पेंसिल्स आप खरीद सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 5 kg ऑफ मिल्क हैज इतने kg ऑफ फैट, हाउ मच फैट इज देयर इन 32 kg मिल्क। तो 5 kg मिल्क में इतने किलोग्राम फैट होते हैं, तो 32 किलोग्राम में कितने फैट होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले 1 kg में कितने फैट है वो आपको निकालना है, फिर जितना निकलेगा उसमें आप 32 kg का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकल आएगा।
फिर आपको डिवाइड करना है इसमें, और 315 से डिवाइड करना है इस संख्या को, और क्वोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। देखते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी, मोहित बॉट अ कूलर फॉर इतने रुपीज़ एंड पेड इतने रुपीज़ फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ही सोल्ड द कूलर एट अ लॉस ऑफ ₹150। फॉर हाउ मच डिड ही सेल इट। सो इतने रुपए में किसी कूलर को ख़रीदा और इतने रुपए उसने ट्रांसपोर्ट में, यानी कि लाने के लिए अपने शॉप पर या अपने घर पर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसने पे किया। सो उसने वो कूलर उसे उसने वो ₹150 की लॉस पे, यानी कि हानि करके, उसे नुकसान करके उसे बेच दिया। तो उसने उस कूलर को कितने रुपए में बेचा, सो आपको निकालना है इसे। अब क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सो किसी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो इन तीनों अंकों का आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 5 × 4। और इसका इसका जो मात्रक होता है, यानी कि मेजर, वो आपको ज़रूर लिखना है, यूनिट। और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर टू द पावर 3, यानी कि क्यूब सेंटीमीटर आप लिख सकते हो उसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, रोहन प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर रेड स्क्वायर टाइल्स। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 5 सेंटीमीटर। इस किचन इज 320 सेंटीमीटर इज इन लेंथ एंड 150 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। हाउ मैनी टाइल्स विल ही नीड। सो यहाँ पर रोहन है जो प्लान करता है अपने किचन को रेड स्क्वायर टाइल से फ्लोर करना चाहता है, और हर टाइल की जो साइड है वो स्क्वायर टाइल है, तो साइड है उसकी 5 सेंटीमीटर, और उसके किचन की जो साइज है, मेजरमेंट है, वो 300 सेंटीमीटर लेंथ, 320 सेंटीमीटर लेंथ है और इतने सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकालोगे टाइल का, और फिर उसके किचन का एरिया निकालोगे। किचन के एरिया में से एरिया में आप टाइल का जो एरिया निकलेगा उसका डिवाइड करोगे, तो टाइल्स की संख्या आपको निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 9 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 120 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड एरिया। सो ये आप निकाल सकते हो। 25, क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्स कॉन्टेंट्स इतने पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 324 सच बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 26 इज ये डिविजिबल बाई 4, एक्सप्रेस द रीजन। क्वेश्चन नंबर 27, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतने एंड देयर एलसीएम इज 45, फाइंड देयर एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ एंगल्स ऑफ, तो आपको ये ड्रॉ करना है ये एंगल्स, 45 डिग्री, 110 डिग्री एंड 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, वेजेस ऑफ 7 लेबर आर ₹105, ₹95, ₹85, ₹125, ₹100 एंड ₹105 एंड ₹85, फाइंड द एवरेज वेज ऑफ द लेबर। सो स्टूडेंट्स, ये था 2018-19 का बिल्कुल ओरिजिनल और डिजिटल क्वेश्चन पेपर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। सो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आखिर तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। हमारा चैनल क्लास 5 से लेकर क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट और सभी विषयों पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की। थैंक यू।